वर्ष 2023, भारत इस साल अपने सबसे सफल अभियान प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती मना रहा है। हमारी यह फिल्म समर्पित है हर उस इंसान को जिन्होंने वन और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित बाघों का गढ़ होने के साथ मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह माना जा सकता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पतियों और जीवों में अछूत समृद्धि के साथ भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थल में से एक है। बदलते मौसम को देख ऐसा लगता है मानो प्रकृति कोई नई कहानियां हमसे बयां कर रही है। फागुन के इस महीने में अचानक वसंत का आगमन होना लगता है मानो जंगल अपनी कोई नई कहानी बयां करने की कोशिश में है, और इस अचानक बिन बुलाए मेहमान ने मानो जंगल की खूबसूरती को और निखार दिया हो। हर उस वन्यजीव प्रेमी की एक ही कामना होती है कि वह कम से कम जीवन में एक बार कान्हा जरूर जाए। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे यहाँ रहने और जीवन जीने का मौका मिला है, और उससे भी ज़्यादा मेरी खुशनसीबी यह है कि मुझे घने जंगलों के अंदर वन्य कर्मियों के साथ उनके कैंप में एक दिन बिताने का मौका मिला है। मैं जा रहा हूँ कुदरत की गोद सॉन्डर कैंप में अपनी ज़िंदगी के उस दिन को जीने के लिए। पूरी तैयारियों के साथ आज रात हम अपने कैंप में पहुंचे और जल्दी अगली सुबह के इंतजार में सो गए, और अगली सुबह ही दुनिया की भागम भाग से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सूरज की किरणें के साथ हम भी जल्दी उठ गए। सुबह का माहौल यूं खुशनुमा था मानो यह पल थम सा जाए। हम अपने कैंप से बाहर निकले तो देखा वन कर्मी अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए हैं। इस पल को छोड़ हम कैंप से बाहर निकलकर जंगल की दैनिक गश्ती पर निकल गए। कैंप से बाहर का मनमोहक नजारा, जिसमें सूरज की किरणें दूर फैले पथरीले घास के मैदान में बिछी घास में पड़ रही थी, जिन्हें देख आभास हुआ कि बीती शाम को हुई बारिश की बूंदों की नमी ने जमीन पर मोती बिखेर दिए। हर अगला कदम जंगल की ओर हमारा स्वागत जमीन पर बिछे मोतियों से कर रहा था, मानो कुदरत अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत कर रही हो। मैं, मेरे मित्र अतुल और वन रक्षक मेशराम जी उस जंगल में दाखिल हुए। आपको अब कितने साल हो गए लगभग इस कैंप में? मुझे इस कैंप में कोई साल नहीं, यहाँ तो अभी वैकल्पिक चार्ज में सर, यहाँ सोंडर में मैं छह साल हो गए। सोंडर का ही पूछ रहा हूँ मैं, छह साल हो गए सर। छह साल हो गए जी। तो ज्वाइनिंग कहाँ से किए थे? ज्वाइनिंग में सर सुखार लड़ुआ से हुई थी सर, 2008 में। अच्छा जी, तो शुरू से आप इसी पोस्ट पर? शुरू से यही पोस्ट पर सर, फॉरेस्ट गार्ड। अच्छा जी। 1 जनवरी 2009 की बात है, 28 बार सर रेंज ऑफिस वापिस हो रहे थे, मैं और दो बार सर, सिर्फ एक कुल्हाड़ी और एक साइकिल थी, पैदल थे हम लोग 13-14 किलोमीटर पैदल चले। अब शाम को इस रास्ते से कैंप जाएंगे कह के भैसान घाट पहाड़ी से एक टाइगर उतर के रोड में आता है सर, हम उसको देख भी लिए कि हाँ सामने टाइगर आ रहा है, ठीक है। और मैं कहा ये तो बहुत दूर है, चले जाएगा वो टाइगर, हमको एक भी देख लिया उसने और दूर जाके एक बांस के भिरे के पास छुप गया, और हमारे पास टॉर्च और कुछ नहीं थी, सनसेट का टाइम था लगभग। फिर जैसे ही हम अपने रोड पर चलते गए ट्रेल पे सीधे गांव जाने के लिए, तो पैड के अब पैड तो देखो सर 4-6 मीटर साइज के तो रहते ही है, तो कोई अच्छे से बड़े साइज हो, अपने बेल्ट ट्यूब जो अपन PIP बनाए सर, बस इसी साइज के पैड। तो एक कॉर्नर पर बांस भिरी थी वो PIP के, तो वो PIP के सामने से निकल के आगे और हम PIP में पहुँचे। अब जैसे ही हम पहुँचे तो उसने सर अपना मतलब वो उमर पानी मेल टाइप पर्सनालिटी अपने दिखाने लगा सर, तो उन्होंने इतना स्क्रैपिंग किया हमारे शाम को, हमको देख के इतना मतलब चिल्लाना भी 8-9 प्रकार की आवाज़ सर, मैं आवाज़ को काउंट किया हूँ, रिकॉर्डेड नहीं था सर मोबाइल वाइज, लेकिन कुत्ते जैसे रोना, बिल्ली टाइप हुआना, और इसके बाद जोर से रोरिंग करना, और फिर
मतलब 7-8 प्रकार से 9 प्रकार से आवाज उसने हमको करके डराया, आप लोग को डराने की। जी हाँ, मतलब उसने पेड़ में पूरे धूल धूल मिला दिया। एक आम झाड़ के पास टाइगर आप बैठ के 3 आदमी को डरा रहा है। पर क्या हुआ कि हम मैं साइकिल को पकड़ लिया, अगर जैसे कूदेगा हमारे ऊपर, जैसे ये आम झाड़ है और ये सब हम ये तीनों खड़े हैं, ये कूदेगा तो इसके सिर में हम साइकिल फंसाएंगे और भागेंगे। जी हाँ, रात का अंधेरा लगा सर, सनसेट हो चुका था लगभग, और गांव वहाँ से 200 मीटर दूर। पर कहाँ उसने हमको सर 10 मिनट तक के, लगभग 9-10 मिनट तो श्योर है, 10 मिनट तक के उसने हमको मतलब रास्ता रोक के रखा सर, फिर भी हम हिम्मत नहीं डगडगाए, नहीं बिल्कुल खड़े खड़े, वो हमको देखे हम उसको देखे, भाई आप वो हमारे सामने खुद ही रास्ता का ब्लॉक किया, हमको जाने का रास्ता नहीं दे रहा है। तो फिर रिवर्स होके तिरछा होके वो हमको देखे हम उसको देखे, ऐसे देखते देखते सर वो मंदिर से भी आगे हम लगभग 150 मीटर ऐसे पीछे पैर देखते गए सर टाइगर को, वो भी खड़े, अगर थोड़ा सा भी हम थोड़ी इधर उधर मूवमेंट करते ना तो टाइगर हम पर चार्ज करता था। दो दिन अभी भी आते, 1 जनवरी 2009। कश्ती के आखिरी चरण में सूर्यास्त होने से पहले हम सब अपने कैंप वापस आ गए। कैंप का वातावरण इतना शांत था मानो थककर सोने से पहले माँ के आंचल में मिलने वाली शांति जैसा हो। मिट्टी की बनी हुई झोपड़ियाँ बचपन की उन सुनहरी यादों को याद दिलाती थी जिसे हम दूर बचपन में किसी गांव में खोया। दिन भर की थकान के बाद ठंडे ठंडे पानी से मुँह धोते ही ऐसा लगा मानो पानी की हर छोर मुझे मेरी थकान को भी उतार रहा है। अब समय था उन वनरक्षकों के साथ खाना खाकर उनके साथ बीते किस्सों पर चर्चा करने का। गर्मी में ज़्यादा होता होगा सब जी, मज़ा आता होगा पानी वानी के पास। 15 फरवरी के बाद आया था, पिछले साल वॉस्ट ओवर में कौन था, अब ये रहता है और एक गेस्ट, दो लोग। वॉस्ट ओवर से तो टाइगर दिख जाता होगा, दो वॉस्ट ओवर दिख भी जाता है, वॉस्ट ओवर के पास में अभी आता जाता रहता है। पिछले साल देखे थे वहाँ, लेपर्ड भी आता है बंजारे नदी में। हाँ अच्छा, नदी के किनारे है क्या? नदी नहीं सर, वो पहाड़ी के ऊपर है, ये यूकेलिप्टस का पेड़ है लगभग इतने ऊपर का टिल्ला जैसा। अच्छा, उसके ऊपर अपन ने क्या कच्ची झोपड़ी बनाया सर। जी, कभी काल वहाँ भालू वालू भी चढ़ जाता है। अच्छा, पिछले साल तो चढ़ ही गया था वॉच टावर के ऊपर। जी डर नहीं लगता है सर, ऐसे साइड से ऐसे चला जाता है, सोलर ऊर्जा की वो लाइट में देख के भाग गया होगा। सोलर लगा है वहाँ पे? नहीं नहीं, छोटा सा लाइट ले जाए। अच्छा, सोलर वाला ले जाओ। हाँ, क्योंकि वॉच टावर के पास आता होगा ये, पैदल में दिखे मत दिखे पर वॉच टावर से टाइगर दिख जाता होगा। वॉच टावर से कहाँ दिखेगा सर, अपन को फॉरेस्ट ही दिखता है सर टोटल। हाँ, कुछ नहीं दिखता वहाँ से, जो आएगा वहाँ आके दिखेगा ऐसा है। इनको वहीं रहना का, चारों तरफ ना पूरे पेड़ है। अच्छा, कैसे यह समय इन वन रक्षकों के साथ बीता पता ही नहीं चला। जाते जाते मैं अपने साथ न जाने जिंदगी जीने का कौन सा जज्बा लेकर जा रहा था, पर इन वन रक्षकों को देखकर मैंने आज एक चीज जरूर सीखी, इंसान अपने लक्ष्य पर समर्पित होकर अपने जीवन में कुछ बहुत ज्यादा पाने की इच्छा से दूर होकर भी जिंदगी जी सकता है। इन वन रक्षकों की जिंदगी लकड़ियों के उस ढेर की तरह है जिसे अकेले तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कितनी भी खराब परिस्थितियां आ जाए या उनका डटकर सामना करते हैं, हर अगली सुबह इन वन रक्षकों के लिए एक नई चुनौती बनकर आती है और वह हर उस चुनौतियों पर खड़े उतरते हैं। मेरा नाम मृत्युंजय कंवर है और यह कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी हर उस व्यक्ति की जो भले ही एक वन रक्षक ना हो पर वन और वन्य जीवों के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर जंगल की रक्षा करता है। सलाम है इन वन रक्षकों को और उनके जज्बों को जिन्होंने अपना सारा जीवन वन और वन्य जीवों के नाम कर दिया है।